हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकर्स एकेडमी। टुडे आई एम हियर विथ सम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ अ न्यू चैप्टर दैट इज काठमांडू बाय विक्रम सेठ। दिस इज ऑफ नाइन्थ क्लास बिहार बोर्ड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ हुम डज मिस्टर विक्रम सेठ विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू। काठमांडू के दो मंदिरों में विक्रम सेठ किसके साथ गए थे। मिस्टर विक्रम सेठ विजिट्स द टू टेम्पल्स इन काठमांडू विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। विक्रम सेठ मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू के दो मंदिरों में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल। भगवे कपड़े में जो एक समूह था वो क्यों परेशानी झेल रहा था या किस दिक्कतों का सामना कर रहा था। बाय द मेन गेट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के मुख्य द्वार पर ए पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स, भगवे कपड़े में जो एक ग्रुप था, एक समूह था, स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, वह मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मतलब परेशानी झेल रहा था या वहाँ गुहार लगा रहा था। The policeman there is not convinced that they are the Hindus, क्योंकि वो policeman उन पर शक कर रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि वो हिंदू है। Because only Hindus are allowed to enter the temple, क्योंकि उस मंदिर में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब बुद्धनाथ स्तूप। बुद्धनाथ स्तूप को संक्षेप में वर्णन करें। द बुद्धनाथ स्तूप वॉज द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। इट हैड एन इमेंस वाइट डोम। बुद्धनाथ स्तूप जो है काठमांडू का एक बुद्धिस्ट यानी बौद्ध का श्राइन है। इट हैड एन इमेंस वाइट डोम, इसका एक बड़ा सा गुम्बद है। रिंग्ड बाय ए रोड, जिसके चारों साइड में रोड है यानी चारों तरफ रोड है। देयर वॉज नो क्राउड देयर, वहाँ कोई भीड़ नहीं होती। इट सीम्ड लाइक ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस, वो एक स्वर्ग मतलब शांति का स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, जबकि उसके चारों ओर जो सड़कें हैं वो काफ़ी बिजी है, फिर भी उसके बीच में वह शांति का एक स्वर्ग जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर बाय एट नेपाल एयरलाइंस। नेपाल एयरलाइंस में ऑथर यानी लेखक क्या खरीदते हैं। एट द नेपाल एयरलाइंस द ऑथर इंटर्स इट्स ऑफिस एंड बाइज अ टिकट फॉर द नेक्स्ट डे फ्लाइट। ऑथर नेपाल एयरलाइंस के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर अगले दिन के फ्लाइट के लिए टिकट खरीदते हैं। When will कलयुग end on the earth? कलयुग का अंत पृथ्वी पर कब होगा? It is believed that when the small shrine half protruded from the stone platform on the bank of the holy Bagmati emerges fully, ऐसा माना जाता है कि जब छोटा सा मूर्ति जो है या छोटा श्राइन यानी कि गोलनुमा जो शिव का होता है शिवलिंग, उस तरह का जो एक लिंग शिवलिंग है वो आधा निकला हुआ है, जब वो प्लेटफार्म यानी कि पत्थर का जो एक पक्की किया हुआ यानी कि चबूतरा है उसमें से पूरा बाहर निकल जाएगा बागमती नदी के किनारे, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो उसके अंदर की देवी भाग जाएगी, चली जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और इस तरह उसी समय कलयुग के इविल यानी कि बुरे समय का अंत हो जाएगा। वेयर डज द ऑथर लुक एट द फ्लूट सेलर, कहाँ पर ऑथर फ्लूट सेलर यानी कि बांसुरी बेचने वाले को देख रहे थे। द ऑथर लुक्स एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। ऑथर फ्लूट सेलर को यानी बांसुरी बेचने वाले को अपने होटल के नज़दीक के एक चौक के कोने से देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम थ्री काइंड्स ऑफ द फ्लूट।
तीन तरह के बांसुरी का नाम बतावें। द थ्री काइंड्स ऑफ द फ्लूट आर, तीन तरह की जो बांसुरी हैं वो हैं, पहला है द जैपनीज साकुहाची साकुहाची, दूसरा है द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तीसरा है द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ये तीन मुख्य है और एक और चौथा एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें लिखने का कोशिश किया है, द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट ऑफ साउथ अफ्रीका अमेरिका। तो ये अमेरिकन एक और फ्लूट है। इस तरह से कुल चार तरह के फ्लूट होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तीन ही पूछा गया तो इसलिए आप तीन ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड, फ्लूट सेलर के हाथ में क्या था। द फ्लूट सेलर हैज़ इन हिज हैंड ए पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन लाइक द क्विल्स ऑफ ए प्रोकोपाइन। फ्लूट सेलर के हाथ में एक पोल था, एक डंडा नुमा वस्तु था, विथ एन अटैचमेंट, जिसके ऊपर टॉप के ऊपर, एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड, यानी कि जिसके सबसे ऊपर में एक क्विल्स यानी कि कांटा नुमा बना हुआ था, जिसमें 50 से 60 बांसुरी लगा हुआ था यानी निकला हुआ था, इन ऑल डायरेक्शन हर दिशा में, लाइक द क्विल्स ऑफ प्रोकोपाइन। प्रोकोपाइन एक जानवर है जो चूहा या बड़ा सा चूहा के साइज का होता है और उसके चारों तरफ कांटा नुमा चीज निकला होता, नोकीला नोकीला कांटा जैसा निकला होता है, उसको ऐसे शाही हिंदी में कहा जाता है। और ठीक उसी तरह से वो बांसुरी भी वहाँ पे ऊपर में जो टॉप पे था वो निकला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ऑथर फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो अवे फ्रॉम द स्क्वायर, ऑथर चौक से दूर जाने में खुद को क्यों महसूस, मतलब मुश्किल महसूस करते हैं। द ऑथर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो अवे फ्रॉम द स्क्वायर बिकॉज ऑफ द प्लीजेंट म्यूजिक ऑफ द फ्लूट प्लेड बाय फ्लूट सेलर। फ्लूट सेलर के द्वारा बजाए गए खूबसूरत बांसुरी की ध्वनि से मंत्रमुग्ध होकर वो खुद को वहाँ से दूर ले जाने में असमर्थता जताते हैं, यानी कि उनको बड़ा अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ देर और ठहरा जाए। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको लगा कि अच्छा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही कोशिश करें कि ये आपके साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चों तक भी पहुँचे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे ताकि वो इसका लाभ ले सकें। और जब आप इससे जुड़े रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा और भी आपके आगे की क्लास में जो भी आपके बेहतरी के लिए, आपके अंग्रेजी की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होंगी, मैं इसमें वीडियो के माध्यम से डालता रहूंगा। और अगर सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती है तो इससे ऐसा हमें लगता है कि लोग हमारे काम को सराह रहे हैं, इससे हमें और ज़्यादा काम करने का उत्साह मिलता है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।